मानव श्रृंखला आज कटिहार के पावन धरती पर ये शहीद चौक का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक मेरी कैमरा जाती है वहाँ तक मानव श्रृंखला नज़र आएगा। हम इधर भी दिखाने का आपको प्रयास करते हैं, आप देख लीजिए ये पूरा मानव श्रृंखला है। एक बार आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर मानव श्रृंखला में जो जो भी है उनसे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि बायकट CAA और NRC NPR। हम उनसे बात करते हैं क्यों आए हुए हैं आज। आप जो यहाँ मानव श्रृंखला में आज आए हैं किस लिए आए हैं? ये जो मानव श्रृंखला हम लोगों ने बनाया है उसका मेन मकसद है कि ये जो NRC और CAA जो आया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो आया है, ये पूरा तरह से ये भारतीयों के खिलाफ है। और जो भी खासकर जो हमारे बीच रहते हैं गरीब लोग जो रहते हैं, हो सकता है कि मैं अपना प्रूफ कर दूं कि मैं भारत का सिटीजनशिप हूं, मैं नागरिक हूं, भारत का नागरिक हूं, लेकिन जो हमारे आस पास बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे सामने अगल बगल में जिनके पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए, जिनके पास घर नहीं है अपना रहने के लिए, वो कैसे प्रूफ करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है। और इसी तरह से देखा जाए तो जितने भी गरीब लोग हैं, खासकर जो गरीब लोग हैं, जो भी मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, वो लोग किसी न किसी तरीका से अब अपना वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेगा, वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके ये प्रूफ कर देगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन जो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी जो गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर NRP NCR के विरुद्ध जो चल रहा है, ये लगे हुए हैं, वो भी खड़ी है, क्योंकि वो जानती है कि NRC हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अमीर लोग और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपना किसी न किसी तरीके से डॉक्यूमेंट, चाहे वो अधिकारी को पैसा हो या फिर अधिकारी से उसका कोई रिलेशनशिप हो, इस तरह से वो अपना कुछ डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लेंगे। और ये खास करके तब NRC आया है जब ये NRC लाने का भी कोई ज़रूरत ही नहीं था। NRC तब आया है जब भारत का जो बेरोजगारी दर है आज 47 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है, सबसे उच्चतम स्तर पर आज बेरोजगारी दर है, तब ये लाया गया है ताकि लोगों का जो मेन मकसद है, मेन मुद्दा है, रोटी कपड़ा मकान का, रोजगार का, शिक्षा का, इससे ध्यान भटकाया जा सके। आज 6.5 साल लगभग सरकार का कार्यकाल हो गया है, BJP सरकार का दोबारा सरकार बनी, लेकिन अभी तक जो वादा किया था उन्होंने, जो रोजगार, उसके बाद काला धन लाने का कार, काला धन में पूरा विफल हो गए यहाँ पे सरकार। तो एक तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ, मैं कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एक तरह से सरकार का ये मोटिवेशन रहा है कि कुछ हिंदू समाज के कुछ लोगों को, हिंदू समाज के कुछ लोगों को बस सिर्फ खुश कर दिया जाए। वो होता है ना कि बचपन में हम एक बच्चे को लड्डू दे के खुश कर देते थे, उसी तरीका से हिंदू समाज को सिर्फ खुश करने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे कोई काम नहीं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, अपने सारे काम फेलियर हो रही है। और ये जो CAA जो लाया गया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो लाया गया, एक्ट जो लाया गया है, ये एक NRC आपने जब किया, आप देखे होंगे, आपने सुना होगा कि असम में NRC हुआ है। और असम में जब NRC हुआ तो वहाँ पर 19 लाख लोग वहाँ पे NRC से बाहर हो गए, NRC रजिस्टर से बाहर हो गए। इसका जो रिजल्ट आया उसमें से 14 लाख हिंदू थे, 5 लाख मुस्लिम समाज के लोग। तो आप NRC के कोई विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन ये एक्ट जो लाए, एक्ट लाने का मतलब ये है कि आप उस NRC में जो 19 लाख लोग बाहर आए हैं, 19 लाख, आप उसमें से 14 लाख हिंदू को यहाँ की नागरिकता देंगे लेकिन 5 लाख को नहीं देंगे। तो ये गलत एक्ट है। इस तरह से अगर आप NRC करना ही है तो आप पूरे देश में करिए। CAA का क्या ज़रूरी है, CAA नहीं लाते तो कोई विरोध नहीं होता। आप मेन जो गलती कर दी है यहाँ पे सरकार ने, CAA ला के सरकार गलती कर दी है। और ये CAA अगर आया है तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ही क्यों, हमारे सटे हुए पड़ोसी राज्य देश तो नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, चीन भी है, सभी हमारे देश में सटे हुए कंट्री है, उन लोगों के लिए क्यों नहीं लाया गया? सिर्फ और सिर्फ ये मैंने कहा अभी पहले कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को खुश करने के लिए, कुछ एक हिंदू समाज है जिसको खुश करने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और उसका यही काम जो है भारत को बहुत बुरा स्थिति है। आप कुछ दिन पहले, आपको पता होगा कि टाइम न्यूज़ में मोदी का फोटो छपा है कवर पेज पे, तो इससे
क्यों छापा है, जवाहर पेज पे क्यों छापा है। एक बार आज से पहले 2015 में छपा था, तब मोदी की वाहवाही हुई थी, लेकिन इस बार जो छपा है जवाहर पेज पे टाइम न्यूज पे, इसलिए छपा है, इसलिए छपा है कि वो डिवाइडर एंड चीफ का उसको जो उपाधि दिया गया है मोदी को, डिवाइडर एंड चीफ का मतलब होता है क्या, जो बांटता है लोगों को उसका डिवाइडर चीफ उसको कहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एनपीआर के विरुद्ध में NRC और NPR और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लीजिए, नहीं तो भारत का जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और हम लोग कुछ और बढ़ चुके हैं, और हमारा GDP आज 3.5% हो गया है, जो बहुत ही दयनीय बात है। हमारा भुखमरी का स्तर आज बांग्लादेश से भी नीचे है, पाकिस्तान से नीचे है। और सरकार की एक बात हमको बहुत ख़राब लगती है कि बार बार तुलना हम पाकिस्तान से क्यों करते हैं, कुछ भी अगर वहाँ पे हो रहा है तो हम पाकिस्तान का बार बार हवाला देते। हमारा तुलना होना चाहिए अगर तो अमेरिका से होना चाहिए, जापान से होना चाहिए, रूस से होना चाहिए, मलेशिया से होना चाहिए, लेकिन हम बार बार छोटे से मझोले से देश जो कि हमसे ही कट के बना है, इसका हमारे सामने कोई औकात नहीं है, हम उसी की बात करते हैं। और हमारे जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर है बार बार बोलते हैं कि हम मैं एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। अंग्रेज भी यही बोला करते थे कि हम तुम पे राज करते रहेंगे, हम अपना यहाँ से वापस नहीं ले जाएंगे, हम तुम पे ज़िंदगी भर राज करेंगे। तो हमारे पुरखों ने 200 साल लड़ाई लड़ी है, और हमें तो अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, लड़ाई जारी रहेगी हमारी। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ, धन्यवाद।